नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों 20 जुलाई 2021 को मंगल ग्रह का प्रवेश सिंह राशि में हुआ है, जहां शुक्र ग्रह पहले से ही मौजूद है, इसलिए वर्तमान में सिंह राशि में मंगल शुक्र की युति बनी है। यह युति 11 अगस्त 2021 तक सिंह राशि में बनी रहेगी और उसके बाद शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जहां सौंदर्य भौतिकता के कारक ग्रह हैं, वहीं मंगल साहस पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति का असर सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों को इस युति से लाभ होने की संभावना है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन राशि वालों को मंगल शुक्र की इस युति से लाभ हो सकता है। मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में शुक्र और मंगल युति करेंगे, जिसके चलते इस राशि के लोगों में एनर्जी देखने को मिलेगी। इस दौरान इनके भौतिक सुखों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं जो विद्यार्थी कला से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी इस राशि के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि इस दौरान आप आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए सही बजट प्लान बनाना आपके लिए लाभदायक होगा। मिथुन राशि। आपके तृतीय भाव में यह युति होगी, जिसके चलते आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस दौरान आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तुला राशि। शुक्र का आपके एकादश भाव में होना आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा, साथ ही मंगल के भी इस भाव में होने से आप जीवन शक्ति से भी इस दौरान भरे रहेंगे। इस समय यदि पिता के साथ आपके संबंध खराब चल रहे थे, तो वह सुधर सकते हैं। व्यवसाय में इस राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों को करियर क्षेत्र में इस दौरान अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप मीडिया, अध्यापन, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके कार्य में इस दौरान गति देखने को मिल सकती है। धनु राशि। इस युति के चलते आप में धर्म अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। इस समय धनु राशि के जातक अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस नजर आएंगे, साथ ही कोई नया कार्य भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं। कुंभ राशि। आपके सप्तम भाव में इस युति के होने से आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस की अधिकता देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।